नमस्कार भक्तों, जय माता दी। तो भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आसान उपाय पर। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा सफल उपाय लेकर आया हूँ जिस उपाय से आप अपने रूठे हुए प्यार को अपने वश में कर सकते हैं मात्र एक दिन में। एक दिन में आप अपने रूठे हुए प्यार को अपने पास बुला सकते हैं, जैसे आपसे वो पहले बात करता था वैसे आप उसको अपने पास बुला सकते हैं। अगर वो आपसे रूठ गया, आपसे बात नहीं करता या आपसे झगड़ा हो गया है, तो भी वो आपके पास आ जाएगा इस छोटे से इस उपाय से। इस उपाय में आपको क्या करना है कि एक इलायची लेनी है। इसे एक इलायची से ये उपाय होगा। तो आइए भक्त शुरू करते हैं ये उपाय। तो उपाय शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जिस किसी भक्त ने भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आसान उपाय, तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो हर उपाय आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो भक्तों शुरू करते हैं उपाय। तो इस उपाय में आपको क्या करना है कि जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम और इस मंत्र को, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। मंत्र ज्यादा बड़ा नहीं है, सिद्ध किया हुआ मंत्र है ये। आपको इतनी प्रॉब्लम होने वाली भी नहीं है। इस उपाय को इस मंत्र के साथ कीजिए, बहुत आसान उपाय है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा एक दिन में। तो मंत्र है ओम ह्रीम स्वाहा, सिद्ध किया हुआ मंत्र है ये। आपको आप कहीं भी किसी भी टाइम इस उपाय को कर सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम कहीं भी। हाथ में आपके जो सज्जा हाथ होता है राइट हैंड, उसमें मुट्ठी में बंद करनी है इलायची को और 151 बारी माँ काली का दीपक के ऊपर से घुमाना है। उस व्यक्ति का नाम लेते हुए और मंत्र का जाप करते हुए ओम ह्रीम स्वाहा, मंत्र का जाप करते हुए साथ साथ 151 बार घुमाना है। घुमाने के बाद आपको क्या करना है कि इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि मंत्र उपाय में इस 151 बार जब आपने हाथ घुमाया, मंत्र का उच्चारण कितनी बार हुआ, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। एक आधी बार भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर 51 बार हुआ है, 50 बार हुआ है, तो उस चीज का ध्यान रखना है आपको जब, ठीक है। तो मंत्र जितनी बार भी हुआ है, आपको क्या करना है कि उस इसको इलायची के दाने को आपको क्या करना है कि जितनी बार भी मंत्र का उच्चारण आपने किया है, कागज में उतनी बारी नंबर लिखकर इसको उस कागज में लपेटकर अपने पर्स में डाल ले। इलायची को अपने पर्स में डाल ले। अगर पर्स में नहीं डाल सकते, एक सिर्फ ये जो है सिर्फ आपको एक दिन के अंदर अंदर करना है। ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ अपने पर्स में रख लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि अगले दिन वो व्यक्ति जो है आपके वश में हो जाएगा और आपके पास आने लगेगा और आप जैसे कहोगे वैसे ही करना लगेगा। और आपसे अगर उसकी लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गई थी, तो वो सब सुलझ जाएगा और वो खुद सामने चल के आपको बुलाएगा। और एक दिन के बाद जब ये उपाय हो जाए, 5 दिन के बाद जब 5 दिन हो जाए, उपाय हो जाए पूरी तरह से, वो आपके वश में हो जाए, आपका कहना मानने लगे, तो आपको क्या करना है कि इस इलायची के दानों को कैसे भी करके उस व्यक्ति के को खिला दें। पहले खिला नहीं सकते, इसको 5 दिन तक रखना है अपने पास। धीरे धीरे वो व्यक्ति आपका कहना मानने लगेगा, तो उसके बाद वो आपकी कई भी बात मानेगा। तो 5 दिन के बाद इस इलायची के दानों को आप उसको खिला दीजिए, कैसे भी करके, किसी में भी डाल के। तो वो व्यक्ति उसके बाद पूरी जिंदगी भर आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा और जैसा आप कहोगे वैसा ही वो करेगा पूरी जिंदगी भर। तो भक्तों यही था उपाय, उम्मीद आपको समझ आया हो। और इस उपाय को जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से आपको करना है। मंत्र बताया है आपको जिस तरह से करना है, सब मंत्र आपको एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखें वीडियो को, समझ के फिर ही करें। तो भक्तों हमारा जाने का समय हो गया, तो धन्यवाद। यही था हमारा आज का उपाय।